स्टार्ट होता है। तो ठीक है, वैसे मैक्सिमम लोग अटेंड करते हो, फिर भी कुछ लोग किसी कारण से अगर अटेंड नहीं कर पाते लेक्चर, तो रिकॉर्डिंग रहता तो सही रहता उनके लिए। सेकंड पॉइंट इसमें इट इज द रेट, इट इज द रेट एट विच इट डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, इट इज द रेट एट विच इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। टू फॉर्म अ बॉन्ड, टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड विथ कार्बन, देखो मैं यहाँ पे अभी रिपीट करता हूँ, अभी यहाँ पे सारा पॉइंट वो फिर से आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना है कि जो निकिलियो फाइल होता है वहां पे, इसमें सेकंड पॉइंट इट इज द रेट एट विच इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड विथ कार्बन। देखते हैं सेकंड पॉइंट इसमें भी लिख लेते हैं यहाँ पे है। इसमें जो सेकंड पॉइंट है इट इज द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, इट इज द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, इट इज द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, इट इज द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन दैट इट कैन बी होल्ड एट इक्विलिब्रियम, दैट इट कैन बी होल्ड एट इक्विलिब्रियम। अब इसको समझते हैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट। तो दोनों में डिफरेंस ये रहता है कि जो निकिलियो फाइल होता है OH माइनस, वो कितने इजिली इस कार्बन पे अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर पाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, रेट से रिलेटेड जो निकिलियो फाइल होता है वो किससे रिलेटेड होता है, रेट से। इट इज द रेट एट विच इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड विद कार्बन, कितना इजिली ये OH माइनस इस कार्बन पे अटैक कर पाता है, दैट मीन रेट से रिलेटेड होगा। जबकि जो बेस होता है जैसे कि OH माइनस, OH माइनस हम लोग यहाँ पे रेट से रिलेटेड नहीं देखते, यहाँ पे वो क्या रहता है कितने H प्लस को इक्विलिब्रियम पे होल्ड करता है। एसिड बेस रिएक्शन बेसिकली इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा, ये बोल सकते हैं यहाँ पे। तो ये एसिड बेस रिएक्शन सिंपली हो रहा है, ये बेस और ये एसिड इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, इक्विलिब्रियम पे कितने H प्लस को होल्ड कर रहा है ये OH माइनस, तो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन को इंडिकेट करता है कितने एच प्लस को होल्ड करता है। जबकि जो ओ एच माइनस जो निकिलियो फाइल की तरह एक्ट करता है, ये अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन को यहाँ पे नहीं देखना होता है। इसमें क्या देखते हैं, इट इज रेट एट विच, इसमें रेट देखते हैं कि कितना इजिली ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर वो अटैक कर पाता है यहाँ पे। तुम लोगों का एक चैप्टर भी होगा ट्वेल्थ में फिजिकल केमिस्ट्री में, तो अगर देखे होगा अभी क्लास में हुआ नहीं होगा तो हो सकता है वो भी क्या, केमिकल काइनेटिक्स पहले तुम लोग ये फिजिकल केमिस्ट्री ट्वेल्थ का पार्ट है। नो सर। चलो ठीक, नहीं भी पढ़े इतना तो पता होगा, देखे होगा एनसीईआरटी बुकलेट, तो उसमें एक चैप्टर होता है केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें कि तुम्हें रेट ऑफ रिएक्शन से चीजें बताया जाएगा। तो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में किस रिएक्शन का रेट क्या होता है वो वहां पे तुम्हें डिटेल में बताया जाएगा। तो ठीक है, तो सेकंड पॉइंट के पास इतना सा मीनिंग है कि निकिलियो फाइल रेट से रिलेटेड होता है, रिएक्शन का रेट क्या है, जबकि बेसिसिटी जो होता है वो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन कितने एच प्लस को होल्ड किया हुआ इक्विलिब्रियम पे। और फर्स्ट पॉइंट कुछ लोग पूछ रहे थे, सर फर्स्ट पॉइंट को दोबारा एक्सप्लेन करो। इसमें बस बेसिक सा रूल है कि निकिलियो फाइल अगर किसी कार्बन को इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर रहा है, दैट मीन्स कोई भी OH माइनस किसी कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो वो निकिलियो फाइल, और कोई भी OH माइनस अगर OH माइनस किसी बेस को ये एसिड को H प्लस दे रहा है, यहाँ अपना लोन पेयर दे रहा है H प्लस को, ये बेस OH माइनस किसी कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है निकिलियो फाइल, और OH माइनस किसी H प्लस को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है बेस, इतना याद रखना है। कहीं सिंपल सा कहीं पूछे भी है, कहीं एग्जाम में या इंटरव्यू वगैरह में आता है
जो कि केबीपीवाई वगैरह का इंटरव्यू अगर फाइनल राउंड तक पहुंचते हो तो सिंपल सा बताना है वहां पे कि अगर सेमी ओ एच माइनस या कोई भी एच टू हो एन एच थ्री हो उसका बिहेवियर न्यूक्लियो फाइल की तरफ कब होगा और बेस की तरफ कब होगा। जब एच प्लस को होल्ड करेगा तो बेस किसी कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है न्यूक्लियो फाइल। एक पॉइंट और भी है उसको नोट करते हैं यहाँ पे हम लोग, यहाँ तक पहले नोट डाउन कर लो तुम लोग। कर ले कॉपी कर लिया था सब लोग। चलो एक पॉइंट और है, मैं यहीं पे नोट कर देता हूँ ऊपर में ही। तो ठीक है नोट नहीं भी के तो नोट कर लो, मैं एक पॉइंट और है ऊपर में लिख देता हूँ। थर्ड पॉइंट है इसमें जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होता है, इसमें पॉइंट लिखना था न्यूक्लियोफाइल इज काइनेटिकली कंट्रोल्ड, न्यूक्लियोफाइल इज काइनेटिकली कंट्रोल्ड। न्यूक्लियोफाइल इज काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन, काइनेटिकली कंट्रोल्ड सिंस इट इज इरिवर्सिबल। और इसमें जो थर्ड पॉइंट है यहाँ पे है कि इट इज थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड। Since it is reversible. Since it is reversible. अब एक ये जो पॉइंट है इसको अभी नोट कर लोगे, जब केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ चुके हो, पढ़ चुकोगे, पढ़ लोगे तो वहां भी अपने आप क्लियर हो जाएगा। मैंने बता भी था कि केमिकल काइनेटिक्स, तो काइनेटिक्स केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में क्या पढ़ना है, रेट से रिलेटेड, तो रेट से रिलेटेड है। दैट मीन्स क्या होता है, काइनेटिकली कंट्रोल्ड। और जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है जो इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है वो क्या होता है, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड सिंस इट इज रिवर्सिबल। यहाँ पे ये क्या होता है, एसिड बेस रिएक्शन, ये रिवर्सिबल होता है जिसके चलते इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड है और ये काइनेटिकली कंट्रोल्ड क्योंकि रेट से रिलेटेड होता है। तो सेकेंड थर्ड पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट है उसको याद रखना है, बट फर्स्ट पॉइंट बेसिक ये याद रखना है कि न्यूक्लियोफाइल कब होगा और बेस की तरह कब एक्ट करेगा। चलो यहां तक कॉपी करो फिर आगे देखते हैं। लो यहां पे और ये जो चीज हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, ये किसी चैप्टर स्पेसिफिक नहीं है। जो मुझे 6 to 7 चैप्टर रिएक्शन का पढ़ना होता है 12th में, वो किसी चैप्टर स्पेसिफिक नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक्स देखना है जो कि हर एक चैप्टर में यूज होता है। कर ले कॉपी कर ले सब लोग यहां तक। यस सर। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। यहाँ पे ठीक है कर लो नोट कर लो अभी। देखते हैं इसमें कुछ बेसिक आज नहीं होता है, बेसिक्स ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम तो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। बेसिकली मोर जो रिएक्शन मैक्सिमम है वो स्टार्ट कर चुके हैं इसमें। तो ठीक है तो आगे बढ़ते हैं फिर इसमें।
बाकी सब लोगों को प्रॉपर नोट डाउन करना है, ऐसा नहीं कि बस दो चार लोग, अगर किन्हीं का भी अगर नोट नहीं कर पाते तो तुरंत बताना है सर्वे, क्योंकि फिर दोबारा से रिकॉर्डिंग देख करके नोट करने की जरूरत नहीं है, यहीं पर प्रॉपर नोट करते जाना है। और टाइम से ज्वाइन करोगे लेक्चर, स्टार्टिंग से नोट कर पाओगे। नेक्स्ट है इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोप्लेसिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोप्लेसिटी। न्यूक्लियोप्लेसिटी तो जैसे कि हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ में पढ़े थे, हम लोग कंपेयर करना सीखे थे कि स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा है, वीक बेस कौन सा है, तो यहाँ पर भी हम लोग वही चीज कंपेयर करेंगे, कौन सा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, कौन सा वीक न्यूक्लियोफाइल होगा, और वो किन किन फैक्टर से अफेक्ट होता है। तो फर्स्ट फैक्टर है यहाँ पे है, और ये ऑलरेडी हम लोग सब कुछ पढ़ रखे हैं यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ में। तो फर्स्ट फैक्टर है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब यहाँ पे देखना इस केस में मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे, लाइक CH3- लोन पे अंडरस्टूड है, वहां पे NH2- OH- F-। अब यहाँ पे देखना है कि बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या रहेगा यहाँ पे, पहले उसको बताओगे फिर न्यूक्लियोफिलिटी पे आते हैं हम लोग। इसमें बेसिसिटी का ऑर्डर तुम्हारा क्या रहा यहाँ पे, इस चारों में से स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा होगा, B- दैट मीन्स बेसिसिटी का ऑर्डर पहले बताना है, एंड देन NU- न्यूक्लियोफिलिटी का हम लोग चेक कर पाएंगे क्या रहेगा। उसके बताओ श्लोक का अलग अलग आ रहा है 1 2 3 4, श्लोक का उल्टा भी आ रहा है 4 3 2 1। वैसे मैक्सिमम लोगों का आंसर सही है इसमें, इसमें जो बेसिसिटी का ऑर्डर रहेगा तो सोचने का तरीका क्या, कुछ भी रटना नहीं है यहाँ पे, कार्बन पे लोन पेयर, नाइट्रोजन पे लोन पेयर, ऑक्सीजन पे लोन पेयर और क्लोरीन पे लोन पेयर। तो लोन पेयर मोस्ट स्टेबल कहाँ पे होगा, हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे जो कि फ्लोरिन है, और यहाँ का लोन पेयर अगर स्टेबल है तो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट नहीं करना चाहेगा, इसका टेंडेंसी डोनेट करने का क्या होगा, कम होगा। और जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी क्या होता है वहां पे, कम होगा, दैट मींस वो लेस बेसिक। तो ऑर्डर क्या जाता है इसमें यहाँ पे, मैं भी अगर शॉर्ट में लिख दूं यहाँ पे 1 2 3 4, क्लियर है। तो जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर भी आएगा तो वो भी सेम रहता है, जो B- दैट मीन्स बेसिसिटी का जो ऑर्डर रहेगा, बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है, वही ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिसिटी का भी आता है NU- का भी, उसमें भी क्या रहेगा तुम्हारा, क्योंकि इसमें भी तो सेम चीज होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी, यहाँ पर भी क्या रहेगा सेम। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, वो भी सेम 1 2 3 4, क्लियर है यहाँ पे है। तो लॉजिक क्या था जो कि वो पहले पढ़ चुके, मैं दोबारा यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं, कि लोन पेयर इज मोर स्टेबल ऑन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और ये अगर स्टेबल है तो अपना लोन पे ये डोनेट नहीं कर पाएंगे, जबकि ये लेस स्टेबल है तो लोन पे ये डोनेट कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने का टेंडेंसी क्या होगा, मोर होगा, दैट मीन्स का बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी दोनों क्या रहेगा, इसका ज्यादा रहेगा। ऑर्डर क्या रहता है 1 2 3 4। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, एक एग्जांपल मैं और ले लो यहाँ पे है, SiH3 PH2- SH- Cl-। इसमें भी बेसिसिटी का ऑर्डर क्या जाता है एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी का, दोनों बता सकते हैं यहाँ पे है। इसमें भी ये सेम है, ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट था कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन, और ये क्या है थर्ड पीरियड का एलिमेंट सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन, इसमें भी ऑर्डर क्या रहा था सेम 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्लियर है, आसान सा था यह। अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट करना था, फिर वो नेक्स्ट फैक्टर पे आएंगे, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर देखते हैं वो कब देखते हैं, जब जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो सेम पीरियड एलिमेंट पे है। एक पॉइंट ये आपने कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का फैक्टर कब देखते हैं हम लोग, फॉर सेम पीरियड एलिमेंट, फॉर सेम पीरियड एलिमेंट, सेम पीरियड एलिमेंट पे अगर लोन पे कुछ नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले फैक्टर चेक करते हैं।
अब अगर सेम पीरियड का अगर एलिमेंट आ रहा है उस केस में जो बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोसिटी का ऑर्डर आता है वो सेम रहता है. बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोसिटी ऑर्डर इज सेम एंड न्यूक्लियोसिटी ऑर्डर इज सेम. ऑर्डर इज सेम इफ लोन पेयर प्रेजेंट ऑन सेम पेयर्ड एलिमेंट. इफ लोन पेयर प्रेजेंट ऑन सेम पीरियड एलिमेंट. यहाँ पे बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोसिटी ऑर्डर सेम आ रहा है क्योंकि जो एलिमेंट आ रहा है यहाँ पे जो एटम प्रेजेंट है वो सेम पीरियड के एलिमेंट पे लोन पेयर आ रहा है यहाँ पे. इफ लोन पेयर प्रेजेंट ऑन सेम पीरियड एलिमेंट. इसमें कंसेप्ट कुछ नया नहीं है, बेसिक क्वेश्चन पढ़े हुए हैं यहाँ पे हम लोग. इजिली जिनको प्रॉपरली याद है उनके लिए कहीं से कोई दिक्कत नहीं रहेगा इस पूरे जो हम लोग कंपेयर करेंगे अभी. बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोसिटी ऑर्डर इज सेम इफ लोन पेयर प्रेजेंट ऑन सेम पीरियड एलिमेंट. कर ले कॉपी कर ले यहां तक सब लोग. तो ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें. यहां पर सेकेंड फैक्टर है साइज का. अब इसको भी मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करूँ यहाँ पे है. और साइज का फैक्टर कब देखते हैं फॉर सेम ग्रुप एलिमेंट. फॉर सेम ग्रुप एलिमेंट पे लोन पर विथ नेगेटिव चार्ज आ रहा हो इसकी बात करते हैं यहाँ पे हम लोग. एफ माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस आई माइनस. तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सेम ग्रुप का एलिमेंट है 17th ग्रुप का. अब इसमें यहाँ पे बेसिसिटी ऑर्डर क्या रहेगा. बी माइनस मीन्स बेसिसिटी ऑर्डर. और न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर मैं बताता हूँ तुम लोगों को बेसिसिटी ऑर्डर बताना है इसका. बताओ सब लोग बताओ इसमें क्या रहेगा. लोगों के अलग अलग आ रहे हैं 4 3 2 1 1 2 3 4. बिल्कुल मिक्सर आ रहा है सब लोगों का आंसर. कुछ लोगों के 1 2 3 4 कुछ लोगों के 4 3 2 1. अब यहाँ पे देखना था यहाँ पर भी लॉजिक सेम ही है. यहाँ पे लॉजिक देखते हैं यहाँ पे. अब देखने की यहाँ पे जो लोन पेयर आ रहा है बाकी चार चार लोन पेयर हर एक एटम पे रहेगा. यहाँ पे मैं एक एक दिखा दे रहा हूँ. अब यहाँ पे देखना है कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन अब लोन पेयर विथ नेगेटिव चार्ज किस केस में मोर स्टेबल आ रहा है. यहाँ पे इसमें जो मोर स्टेबल होगा यहाँ पे फ्लोरीन पे लोन पेयर तो ठीक है ये मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम है. बट यहाँ पे साइज का फैक्टर देखना है क्योंकि यहाँ पे साइज बहुत ज्यादा वेरी करता है जब टॉप टू बॉटम जाता है. और लार्जर साइज एलिमेंट पे अगर लोन पेयर विथ नेगेटिव चार्ज है तो फिर ये मोर स्टेबल है यहाँ पे. और अगर ये मोर स्टेबल आ रहा है तो अपना लोन पे इजिली डोनेट नहीं करेगा. दैट मीन्स ये लेस बेसिक. तो बेसिसिटी का ऑर्डर जो रहता है यहाँ पे वो क्या रहेगा. एफ माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस और आई माइनस. क्लियर. यहाँ पे लॉजिक थोड़ा सा डिफरेंस है कि लार्जर साइज एटम पे लोन पे विथ नेगेटिव चार्ज आ रहा है दैट मीन्स वो मोर स्टेबल दैट मीन्स लेस बेसिक. और जो लेस स्टेबल वो मोर बेसिक अपना लोन पे डोनेट कर पाएगा. ये क्लियर है सब लोगों को. यहाँ पे जिनका भी ऑर्डर 4 3 2 1 आ रहा था उसको यहाँ पे बस सोचना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले फैक्टर से नहीं चेक करना. ये कौन सा फैक्टर है साइज का. तो लार्जर साइज एलिमेंट पे लोन पेयर दैट मीन्स वो मोर स्टेबल दैट मीन्स लेस बेसिक. अब देखना है कि न्यूक्लियोफिसिटी ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. यहाँ पे दोनों ऑर्डर सेम नहीं रहता. अब न्यूक्लियोफिसिटी की बात करें यहाँ पे हम लोग तो जो न्यूक्लियोफिसिटी ऑर्डर आता है मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ मैं. यहाँ पे वो क्या जाता है आई माइनस बी आर माइनस सी एल माइनस और एफ माइनस.
इस करियर में एक्सपेंड करता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखोगे अभी तो देखो, इसमें पिछला पेज दिखाता हूँ, बट कोशिश करो जब नोट नहीं कर पाया है उसी टाइम तुरंत बताना यहाँ पर। सर ने कॉपी कर लिया अब यहाँ पे है। तो यस सर। ठीक है, देखते हैं आगे हम लोग। अब यहाँ पे आ रहा था जो न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर था, वो क्या था? आई माइनस बी आर माइनस सी एल माइनस एफ माइनस, ऐसा क्यों आता है इसमें यहाँ पे? इसका एक क्वेश्चन दोनों बताओगे यहाँ पे कि एफ माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस और आई माइनस, तो साइज सबसे लार्ज किसका यहाँ पे है? आई माइनस का। एक पॉइंट पढ़े होगे तुम लोग फाजांस रूल में, केमिकल बॉन्डिंग में फाजांस रूल, उसमें पढ़े होगे जो पोलराइजेशन होता है, इसमें सबसे ज्यादा पोलराइजेशन किसका होगा? कुछ याद हो किन्हीं को केमिकल बॉन्डिंग से? या फाजांस रूल का चार पॉइंट था, उसमें क्या क्या रूल था फाजांस रूल? एनीवन? सही, बिल्कुल नहीं। इसमें जो पोलराइजेशन होता है, तो जो एनायन होता है वो एनायन कैसा चाहिए मोर पोलराइजेशन के लिए? वो केटायन स्मॉल चाहिए, लेकिन एनायन क्या होगा उसमें? लार्ज एनायन। तो जितना ज्यादा लार्ज एनायन होगा उसका पोलराइजेशन उतना ही ज्यादा होता है वहां पर, और जितना ज्यादा पोलराइजेशन होता है वहां पे है, इसमें जो पोलराइजेशन होगा तुम्हारा वो सबसे ज्यादा पोलराइजेशन आई माइनस देन बी आर माइनस देन सी एल माइनस देन एफ माइनस, फाजांस रूल से। पोलराइजेशन ज्यादा होने का मतलब क्या है कि जितना ज्यादा लार्ज साइज था, जब वो किसी केटायन के कॉन्टेक्ट में आता है, इसका जो साइज होता है सबसे ज्यादा डिस्टॉर्ट हो जाता है, पोलराइज हो जाता है, तभी ये स्फेरिकल है। अपटर पोलराइजेशन ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा आई माइनस, क्लियर है यहाँ पे है? तो अपटर पोलराइजेशन इस टाइप का अगर आ जाता है यहाँ पे, जब इस टाइप का शेप चेंज कर लेता है ड्यू टू पोलराइजेशन, तब होता क्या है, जबकि फ्लोरीन जो है उसका शेप अभी भी स्मॉलर साइज में होगा, इसका जो डिस्टॉर्शन तो देखते हैं कुछ नेटवर्क इशू आ रहा था इसमें। अभी तो प्रॉपर वॉइस आ रहा है सब लोगों को? यस सर। कल रात्रि पर घड़ा हल नहीं ले। तो ठीक है, हम लोग देख रहे हैं, देख लेते हैं फिर स्टार्टिंग से। न्यूक्लियोफिलिक का जो ऑर्डर देख रहे थे हम लोग यहाँ पर, एक मिनट वेट करो, तुम लोग कुछ नेटवर्क पर। ये बाबा ये तो देखते हैं, लोग कंटिन्यू करते हैं इसमें। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा था एफ माइनस एल माइनस जो सेकंड फैक्टर था साइज का, ध्यान से देखोगे अभी यहाँ पे, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था ये बेसिकली। कैसा बाकी म्यूट रखना है सब लोगों को, और आसपास नॉइज हो रहा है तो बिल्कुल म्यूट रखना है। तो साइज का जो फैक्टर था इसमें, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया था एफ माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस और आई माइनस। इसमें जो ऑर्डर आ रहा था यहाँ पे बेसिसिटी का, वो तो क्या था उसमें? एफ माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस देन आई माइनस, इसका लॉजिक अलग था, क्लियर है यहाँ पे है। अब न्यूक्लियोफिलिक का जो ऑर्डर आ रहा था यहाँ पे, वो ऑर्डर इसका जस्ट उल्टा होता है, आई माइनस बी आर माइनस सी एल माइनस और एफ माइनस। उसका रीजन क्या होता है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ, ड्यू टू
पोलरिटी। अब दो टर्म पढ़े होंगे पोलराइजेशन फाजन रूल में, पोलराइजिंग पावर एंड पोलरिटी। तो पोलराइजिंग पावर हम लोग किसके रेस्पेक्ट में देखते हैं कि टाइम के रेस्पेक्ट में, और पोलरिटी वर्ड कब यूज करते हैं तो एनायन के रेस्पेक्ट में। तो इसका जो बेसिक लॉजिक अब जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि जितना ज्यादा साइज जो एनायन है, एनायन का साइज जितना ज्यादा लार्ज होगा उसका पोलराइजेशन उतना ही ज्यादा होता है, और जब पोलराइजेशन अगर ज्यादा हो रहा है तो इसका जो साइज अभी लार्ज है, और एफ माइनस की बात करूँ तो इसका साइज क्या स्मॉल है। स्मॉल साइज वाले का पोलराइजेशन कम होता है, डिस्टॉर्शन कम होता है। लार्ज साइज एनायन का पोलराइजेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। ये अपना शेप इजिली चेंज कर लेता है, यहाँ पे पोलराइजेशन का मतलब क्या, डिस्टॉर्ट हो जाता है। एग्जैक्ट वो स्फेरिकल जो रहता है एटम का जो साइज हम लोग एज्यूम करते हैं उस टाइप का नहीं रह पाता है, और जब ये डिस्टॉर्ट हो जाता है तो किसी कार्बन पे ये इजिली आकर के अटैक कर पाएगा। यहाँ पर देखिए अब ये CH3 और इधर क्या हो Cl हो, तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल जैसे कि I- वो अब इजिली अटैक कर पाएगा इस कार्बन पे। यहाँ पे इसका रीजन ये याद रखना है कि ड्यू टू मोर पोलिटी I- इज मोर न्यूक्लियोफिलिक। इसका रीजन अलग है, यहाँ पे पोलराइजेशन से आता है, फाजान रूल से आता है। यहाँ पे मैं कंक्लूजन लिख देता हूँ इस केस में कि अगर जो लोन पेयर अगर प्रेजेंट है सेम ग्रुप एलिमेंट पे, तो वहां पे जो न्यूक्लियोफिलिक एंड बेसिसिटी ऑर्डर आता है वो क्या रहता है, डिफरेंस रहेगा, डिफरेंट रहेगा। ठीक है, फॉर सेम ग्रुप। अब यहाँ पे जो ऑर्डर आता है वो जस्ट अपोजिट होता है, जिसका रीजन बस याद रखना है कि ड्यू टू पोलरिटी, जिसका पोलरिटी ज्यादा होगा उसका, दैट मीन पोलराइजेशन जिसका ज्यादा होगा वो मोर न्यूक्लियोफिलिक होगा, क्योंकि ये इजिली आकर के किसी कार्बन पे अटैक कर सकता है। जबकि यहाँ पे स्मॉल साइज है इसका पोलराइजेशन कम होगा, ये शेप चेंज नहीं कर पाता इजिली, यहाँ पे डिस्टॉर्ट नहीं हो पाएगा, दैट मीन ये इजिली अटैक नहीं कर पाएगा किसी भी कार्बन पे। क्लियर है यहाँ पे है। जबकि बेसिसिटी के केस में ऐसा फंडा नहीं होता, जब ये बेस की तरह एक्ट कर रहा है तो अपना लोन पेयर किसको डोनेट करेगा, एच प्लस को, उस केस में एच प्लस को इजिली डोनेट कर पाएगा एफ माइनस। जबकि न्यूक्लियोफाइल में ये क्या करता है, किसी कार्बन पे अटैक करना होता है इसको, और जब किसी कार्बन पे अटैक करना होता है तो कार्बन तो कम से कम हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड हो या और भी कोई लार्जर ग्रुप होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इस कार्बन पे इजिली जो अप्रोच कर पाता है, इजिली जो रीच कर पाएगा यहाँ पे, ये क्या होगा, जो आई माइनस होगा ये इजिली अप्रोच कर पाता है इस कार्बन पे, क्योंकि अपना शेप डिस्टॉर्ट कर लेता है, चेंज कर लेता है यहाँ पे, जिसके चलते ये मोर न्यूक्लियोफिलिक हो पाता है I-। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछते रहता है एग्जाम में, बेसिसिटी ऑर्डर एंड न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर यहाँ पे क्या रहता है उल्टा। और किस मीडियम में देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग, कुछ नहीं दिया गया, जो न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर देख रहे हैं तो मेनली हम लोग क्या देखते हैं, वाटर में। मीडियम क्या हम लोग मान लेते हैं जो रिएक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा होगा यहाँ पे, एक्वस मीडियम, दैट मीन्स वाटर, इसको अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ये क्या रहता है, वाटर। चलो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं। इसमें यहाँ पे ये सेकंड फैक्टर आ रहा था, थर्ड फैक्टर है इसमें। थर्ड फैक्टर आ रहा है इसमें हाइब्रिडाइजेशन, बिल्कुल बेसिक स्टेम के जैसा ही आ रहा है, इसमें कुछ नया नहीं है, बस एक नया टर्म आ रहा था यहाँ पे। हाइब्रिडाइजेशन वाले केस में देखें यहाँ पे हम लोग एग्जांपल से ही, CH3 CH2- CH2 double bond CH- HC CCC CC यहाँ पे जो लोन पेयर आ रहा है केस में, इसमें बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है तुम्हें क्या रहेगा तीनों में से, 1 2 3 में से बेसिसिटी का ऑर्डर। तो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है सब लोगों का, 1 2 3, क्योंकि ये एसपी कार्बन पे लोन पेयर आ रहा है, मोर एक्विटम पे आ रहा है, दैट मीन्स ये लेस बेसिक। तो आंसर क्या रहता है इसका यहाँ पे, 1 2 3। और यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर रहेगा वो भी सेम रहता है यहाँ पे, वो क्या जाएगा तुम्हारा, 1 2 3। तो बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिटी का जो डिफरेंस आता है सिर्फ एक ये क्वेश्चन में रहता है
एक और अलग से फैक्टर उसमें रहता है, वो देखेंगे उसका रीजन। तो मेनली साइज वाले फैक्टर में जब सेम ग्रुप एलिमेंट पे लोन पर विथ नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो वहां पे ऑर्डर अलग हो जाता है उस केस में, बाकी केस में सेम ही रहेगा ये। तो इसको कॉपी करो यहाँ तक, तो फिर देखते हैं आगे। नेक्स्ट फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। कर ले, कॉपी कर ले सबको यहाँ तक। इसमें कुछ नया नहीं था, जैसे क्वेश्चन आता है इसमें बेसिसिटी एंड इक्विफिटी का ऑर्डर, जैसे बेसिसिटी ऑर्डर आ रहा है इसमें इक्विफिटी का भी ऑर्डर सेम रहा था। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट फैक्टर है इसमें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। अब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बोलने का मतलब क्या, जितना भी इफेक्ट होता है प्लस आई माइनस आई प्लस एम माइनस एम हाइपर कंजुगेशन, वो सारा इफेक्ट यहाँ पे आएगा। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, अब जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी जो रहेगा एनयू माइनस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब किसी जिसके पास लोन पेयर उससे अगर प्लस आई नेचर का ग्रुप कनेक्टेड हो प्लस एम एंड हाइपर कंजुगेशन, ये तीनों ग्रुप को कैसा ग्रुप बोलते हैं हम लोग, डोनर ग्रुप। तो डोनर ग्रुप पर कनेक्टेड होगा वो उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी और इंक्रीज कर देगा, जबकि एक्सेप्टर ग्रुप को कनेक्टेड होगा लाइक माइनस आई एंड माइनस एम, ये क्या होता है एक्सेप्टर ग्रुप, वो उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या करेगा, कम करेगा। वहां पर देखते हैं एग्जाम्पल इसका यहाँ पर। अब इसका एक बेसिक सा एग्जाम्पल हम यहाँ से स्टार्ट करें अगर, ओ माइनस माइनस सी एस थ्री, ओ माइनस एनओ टू, ओ माइनस ओ सी एस थ्री, इस चारों में ऑर्डर क्या रहेगा यहाँ पे। और भी कुछ लेना चाहो एक और भी मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, ओ माइनस सी एल, इसमें बेसिसिटी का ऑर्डर क्या रहेगा और न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर, इसमें सेमी रहना है क्योंकि जो डोनर एटम है वो क्या रहा है इसमें ऑक्सीजन, तो डोनर एटम हर केस में सेम आ रहा है, हर केस में ऑप्शन पे लोन पेयर आ रहा है वहां पर। इसमें बेसिसिटी एज वेल एज न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या रहेगा सेम, तो बताओ इसमें बेसिसिटी का ऑर्डर क्या रहा है इसमें, दोनों ऑर्डर सेम ही है न्यूक्लियोफिलिसिटी या बेसिसिटी, तो नोट करो सोचो क्या रहेगा यहाँ पर। दो तीन आंसर आया लेकिन सब लोगों का डिफरेंस आ रहा है इसमें, थ्री फाइव वन टू फोर, लोगों का फोर टू वन फाइव थ्री, देखते हैं रोहित स्नेहा प्रिया के सेम आ रहे हैं फोर टू वन फाइव थ्री, चेक कर लेते हैं। तो मैं ऑर्डर लिख भी दूँ पहले अगर यहाँ पे, लोगों के अकॉर्डिंग फोर टू वन फाइव थ्री करेक्ट आ रहा है। इसमें देखना कि यहाँ पे सी एस थ्री किस नेचर का ग्रुप है, यहाँ पे है प्लस आई एंड आर तो पैरा पे रहता है, एच सी भी लगाता हाइपर कंजुगेशन, एनओ टू माइनस एम ओ सी एस थ्री प्लस एम, बाकी तो सब सेम है और कोई भी हेलोजन हो किसी भी पोजिशन पर वो कौन से पेयर लगाता है माइनस आई, क्लियर है यहाँ पे। तो प्लस एम क्या करता है, प्लस है और प्लस एम में से ज्यादा इफेक्टिव कौन सा होता है, डोमिनेंट कौन सा होता है, प्लस एम, ये इसका जब इधर से प्लस एम के थ्रू इलेक्ट्रॉन मिलेगा ये अपना लोन पे डोमिनेंट और भी ज्यादा होगा इसका, तो फोर्थ सबसे मोर बेसिक देन सेकंड, इसमें सी एस थ्री प्लस आई एच सी लग रहा है यहाँ पे, दैट मीन सेकंड मोर बेसिक, देन वन माइनस आई माइनस एम दोनों एक्सेप्टर ग्रुप है बट माइनस एम मोर डोमिनेंट होता है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर पाता है, दैट मीन्स ये लास्ट में, तो फाइव उससे आगे रहेगा और यही सेम ऑर्डर क्या आया था न्यूक्लियोफिलिसिटी का, क्योंकि उसमें भी तो लोन पे डोनेट ही करना होता है,
तो सेम एटम पे अगर लोन पेयर आ रहा है और उसमें कंपेयर करना हो तो हमेशा सेम ही रहेगा, बेसिसिटी एंड इक्विलिब्रियम का ऑर्डर 4-2-1-5-3। क्लियर है यहाँ पे? है तो जिन लोगों को अगर ये चीजें अगर भूल गए हो तो एक बार रिवाइज भी करोगे, प्लस आई प्लस सेम माइनस आई माइनस सेम ऑन एच सी। और एक और भी क्वेश्चन यहाँ पे ले लेता हूँ, इस टाइप अगर कुछ आ रहा हो। ओ सी एच थ्री माइनस सी एच ओ माइनस सी एच थ्री सी ओ माइनस सी एच थ्री एच डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस। इसमें न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर बताना है और इसमें भी न्यूक्लियोफिलिक बेसिसिटी ऑर्डर सेम ही रहना है जो भी बताना है यहाँ पर। मिथॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन, एसीटेट आयन और मिथाइल सल्फोनेट आयन। एनीवन, बेसिसिटी का ऑर्डर ही बताना है बेसिकली, वही ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिसिटी का भी रहेगा। देखो ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें कैसे करोगे अब यहाँ पे, तो इसमें चेक करना है कि बेसिसिटी मतलब क्या है, जो लेस स्टेबल होगा वो मोर बेसिक। आंसर बता रहे कुछ लोग इसमें 1-2-3-4 के 3-1-2-4। तो इसमें चारों में से देखना है कि मोर स्टेबल कौन सा है, तो मोर स्टेबल जो होगा यहाँ पे है 1-2-3-4। देखते हैं यहाँ पे है, तो करेक्ट ऑर्डर क्या आ रहा है इसमें, यहाँ पे 1-2-3-4 ही रहेगा इसमें, न्यूक्लियोफिलिक एंड बेसिसिटी का ऑर्डर सेम रहेगा यहाँ पे। इसका रीजन क्या होगा, सबसे पहले आंसर आ रहा था इसमें रोहित का 1-2-3-4। इसमें देखना है कि जो स्टेबिलिटी का आ रहा था यहाँ पे है, इसका लॉजिक तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे देखना है कि जो फोर्थ स्ट्रक्चर है इसमें क्या बनता है, 3 इक्विवेलेंट रे जनरेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। सेकेंड में 2 इक्विवेलेंट सी ओ ओ माइनस है, इसका मतलब क्या यहाँ पे है, सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ माइनस। यहाँ पे क्या बनेगा, 2 इक्विवेलेंट रे जनरेटिंग स्ट्रक्चर, जबकि पी एच ओ माइनस इसमें नॉन इक्विवेलेंट रे जनरेटिंग स्ट्रक्चर होता है और इसमें कोई भी रेजोनेंसी नहीं होता। इसका लोन पेयर तो बिल्कुल फ्री है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए। दैट मीन्स मोर बेसिक मोर न्यूक्लियोफिलिक कौन सा आ जाएगा इसमें, ओ सी एस। क्लियर है? अब ये नॉन इक्विवेलेंट दैट मीन्स ये इस दोनों के रेस्पेक्ट में लेस स्टेबल, उसके बाद फिर ये 2 इक्विवेलेंट और यहाँ पे 3 इक्विवेलेंट, ये सबसे मोर स्टेबल, देन एसीटेट आयन, देन फिनॉक्साइड आयन। और जो लेस स्टेबल है वो क्या होगा, मोर बेसिक, तो 1-2-3-4। और ये ऑर्डर क्या आ जाएगा तुम्हारा बेसिसिटी का भी। क्लियर है सब लोगों को? इसमें सिर्फ स्टेबिलिटी चेक करना था, जो मोर स्टेबल वो लेस बेसिक लेस न्यूक्लियोफिलिक, बाकी अब इस टाइप का ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता तो उसमें कोई भी नेचर का ग्रुप लगा दिया जाए यहाँ पे, उसमें अगर प्लस आई प्लस एम नेचर क्लियर है तो कर सकते हो वहां पे क्वेश्चन। नेक्स्ट है एक इसमें यहाँ पे स्टेरिक इफेक्ट, यहां तक कॉपी करो तुम लोग। नेक्स्ट फैक्टर है इसमें स्टेरिक इफेक्ट, और जो भी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ सबका रीजन क्लियर होना चाहिए, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं, जो पीछे वाला लॉजिक पड़े बस उसी का आप आगे यूज करना है। कर ले कॉपी कर ले सब लोग यहां तक। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। नेक्स्ट
नेक्स्ट फैक्टर है इसमें हिस्टेरिक फैक्टर, हिस्टेरिक इफेक्ट। अब इसमें जो रहेगा यहाँ पे, यहाँ से देखो इसमें, यहाँ पे अब इसमें क्या है, CH3O- मिथॉक्साइड आयन, और एक इस तरीके का आ रहा है यहाँ पे CH3 O-। इसमें तो पहले बेसिसिटी ऑर्डर बताओगे, यहाँ पे दोनों में से बेसिसिटी ऑर्डर क्या रहेगा यहाँ पे, एक CH3O- है और एक CH3 CH3 O-, दोनों में से स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा होगा फर्स्ट सेकंड में? आसान सा क्वेश्चन था ये सर, पिछला पेज लीजिए ना, एक सेकंड। ठीक है सर, थैंक यू, हो गया। तो ठीक है, इसमें ऑर्डर क्या आ रहा है यहाँ पे, तो सब लोगों का करेक्ट आ रहा है, 2 > 1। इसमें क्या होगा, जो ओ माइनस है इसमें, ये जो लार्जर ग्रुप है इसका प्लस आई नेचर ज्यादा रहेगा यहाँ पे, और मोर प्लस आई नेचर के चलते ये मोर बेसिक होगा यहाँ पे। तो बेसिसिटी ऑर्डर जो रहेगा यहाँ पे वो क्या रहेगा, इसमें सेकेंड ग्रेटर देन वन। अब इसके न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर की बात करते हैं यहाँ पे, आंसर सबका सही आ रहा था 2 > 1। अब यहाँ पे जब न्यूक्लियोफिलिक की बात करते हैं तो बेसिसिटी में जो रहता है इस केस में, ये भी अपना ऑक्सीजन का लोन पेयर और ये ऑक्सीजन का लोन पेयर, जब बेसिसिटी कंपेयर कर रहे होते हैं, ये लोन पेयर किसको डोनेट कर रहा होता है, किसी एच प्लस को, और जब किसी एच प्लस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा होता है, एच प्लस का साइज बहुत ही स्मॉल है, ये दोनों इजिली अटैक कर पाएगा वहां पर, तो उस केस में लोग प्लस आई वाले फैक्टर से डिसाइड करते हैं कि कौन मोर बेसिक होगा। बट जब न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करता है यहाँ पे हम लोग, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी में क्या होता है, तो मान लो कि CH3 जो मैंने एक एग्जांपल पीछे लिया हुआ था, और एक ये Cl है यहाँ पे। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल हो OCH3- और एक ये न्यूक्लियोफाइल आ रहा हो O- CH3 CH3 और ये CH3, ये क्या आ रहा है यहाँ पे, बल्कि न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे, O- के अराउंड क्राउडिंग बहुत ज्यादा है यहाँ पे। अब देखने कि यहाँ पे ये जो OCH3- है, ये आकर के अटैक करेगा इस कार्बन पे, और इसका दूसरे कंडीशन में क्या होगा यहाँ पे, ये आकर के अटैक करेगा इस कार्बन पे। तो देखने कि ये जो लार्जर बुक वाला जो न्यूक्लियोफाइल है, या सिंपली मिथॉक्साइड आयन, इसका नेम क्या होता है, ये तो मिथॉक्साइड आयन आ रहा है, और इसको बोलते हैं टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन, तो शॉर्ट में लिखते हैं TBU- टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन, क्योंकि टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल से बनता होता है। तो मिथॉक्साइड आयन एंड टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन में से जब टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन अटैक करने के लिए आता है इस कार्बन पे, ये ऑलरेडी बल्कि ग्रुप है यहाँ पे, और इसमें जो ऑलरेडी ग्रुप प्रेजेंट है HCl जो भी ग्रुप होगा कार्बन पे, उसके साथ इसका बहुत ज्यादा रिपल्शन होता है, तो जो बल्कि न्यूक्लियोफाइल है वो इजिली अप्रोच नहीं कर पाता इस कार्बन को, जबकि ये तो मिथॉक्साइड आयन है यहाँ पे, ये इजीली अप्रोच कर लेता है यहाँ पे, क्योंकि क्राउडिंग कम है यहाँ पे है O- के अराउंड, और जब क्राउडिंग कम है तो इजीली अटैक कर लेगा यहाँ पे, और जब इजीली अटैक कर पाता है, हम लोग बोलेंगे यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो OCH3- का ज्यादा है यहाँ पे, दैट मीन्स फर्स्ट का न्यूक्लियोफिलिटी ज्यादा होगा सेकेंड से। रीजन क्या, स्टेरिक रिपल्सन। यहाँ पर जब ये जो टर्शरी ब्यूटॉक्साइड न्यूक्लियोफाइल है, ये जब आकर के अटैक करे कार्बन पे, इस पे जो ऑलरेडी ग्रुप प्रेजेंट है और इसके बीच में क्या होगा, बहुत ज्यादा रिपल्सन होता है, ये इजिली अप्रोच नहीं कर पाता है, जबकि ये स्मॉलर सा मिथॉक्साइड आयन है ये न्यूक्लियोफाइल, ये इजिली अप्रोच कर पाता है इस कार्बन को, इस पे इजिली अटैक कर पाता है, दैट मीन्स ये मोर न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है यहाँ पे सब लोगों को, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्टेरिक इफेक्ट। यहाँ पर भी बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिटी ऑर्डर अपोजिट हो जाता है, और इसका रीजन सिंपल था, इस तरीके से सोचना है। अब एक क्वेश्चन सोचोगे, सर आपने बेस में क्यों नहीं सोचा है, उसमें भी तो स्टेरिक फैक्टर लग सकता है, बट जब ये बेस की तरह एक्ट कर रहा होता है तो वो किसको अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, H+ को, और H+ बहुत ही स्मॉलर एटम आ रहा है यहाँ पे, आयन आ रहा है,
क्लियर है, तो उसमें स्टेरिक इफेक्ट देखने की जरूरत नहीं होता है। लेकिन जब न्यूक्लियो फायर करेक्ट करता यही दोनों, तो कहाँ पे अटैक करेगा आकर के, किसी कार्बन पे, और कार्बन तो अकेला होगा नहीं, उसके साथ कुछ HH होगा या कोई और भी मिथाइल ग्रुप भी रह सकता है, तो वहां पे मोर रिपल्शन के चलते ये लेस न्यूक्लियोफिलिक और ये मोर न्यूक्लियोफिलिक। एक इफेक्ट और भी है इसमें सॉल्वेंट इफेक्ट, इसको बस लिख करके छोड़ देना, आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी है। तो सॉल्वेंट इफेक्ट जो होता है यहाँ पे, जो हम लोग ऑर्डर एक पढ़े थे इसमें न्यूक्लियोफिसिटी का, एफ माइनस ग्रेटर देन सी एल माइनस ग्रेटर देन बी आर माइनस ग्रेटर देन आई माइनस, ये जो ऑर्डर था यहाँ पे हम लोग, मैंने बता दिया था वो एक्वस मीडियम दैट इज वाटर में, इसके ब्रैकेट में लिख लोगे ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और ये ऑर्डर चेंज हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, आई माइनस बी आर माइनस, सॉरी इसको करेक्ट करते हैं, यहाँ पे है हम लोग जो पहले जो ऑर्डर लिखे हुए थे यहाँ पे है वो क्या था, वहां पे आई माइनस, आई माइनस बी आर माइनस सी एल माइनस और एफ माइनस, जो लोग पीछे नोट किए हुए थे वो ये ऑर्डर आ रहा था, तो वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ये ऑर्डर आता है यहाँ पे है, और जब पोलर अप्रोटिक आ जाता है तो ऑर्डर चेंज हो जाता है, एफ माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस और आई माइनस, ये जब सॉल्वेंट चेंज किया जाता है तो ऑर्डर भी चेंज हो जाता है, और ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। कुछ आइडिया है किन्हीं को प्रोटिक सॉल्वेंट और अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, तो ठीक है नहीं पढ़े हम लोग यहाँ पे अभी जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्वेंट को ही, बस इसको नोट डाउन करके लिख रख लोगे, जब लोग प्रोटिक सॉल्वेंट और अप्रोटिक सॉल्वेंट पढ़ लेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगी ये चीजें, जो कि हम लोग जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्वेंट ही। सॉल्वेंट इफेक्ट में जो आता है यहाँ पे है, इसमें भी जो न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर आता है स्पेशली जो ग्रुप में रहता है यहाँ पे आई माइनस बी आर माइनस सी आर माइनस एफ माइनस, जो हम लोग पीछे लिखे हुए भी थे और कुछ क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है कि किस सॉल्वेंट में, हम लोग यही ऑर्डर लेकर के चलेंगे, ज्यादातर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया रहता है, बट कुछ क्वेश्चन रहता है जिसमें कि मेंशन कर देता है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, तो फिर ऑर्डर अलग से रहता है, कुछ भी मेंशन नहीं किया गया जो हम लोग पीछे ऑर्डर लिखे हुए थे न्यूक्लियोफिलिसिटी का आई माइनस बी आर माइनस सी एल माइनस एफ माइनस, उसी को लिखना है वहां पर, जब क्वेश्चन भी आ जाए ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी मेंशन अलग से कुछ नहीं किया गया है, ये ऑर्डर करेक्ट रहेगा वहां पर। कर ले कॉपी कर लिया था सब लोग, हम लोग देख रहे थे न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करना, इसका भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि कौन सा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल कौन सा वीक न्यूक्लियोफाइल, अब इजीली गेस कर सकते हो वहां पे, ये एक तरह से बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड है बट ये हिस्टेरिक इफेक्ट है, इसमें चेंज हो जाता है यहाँ पे है बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर, और एक जो हम लोग पीछे पड़े हुए थे साइज वाला फैक्टर इस केस में यहाँ पे, इसमें चेंज रहता है यहाँ पे, बाकी हर केस में सेम ही रहेगा बेसिसिटी एज वेल एज न्यूक्लियोफिलिटी ऑर्डर। कर ले कॉपी कर लिया था सब लोग जी सर, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। नेक्स्ट है इसमें सॉल्वेंट, जो रिएक्शन में हम लोग सॉल्वेंट यूज करते हैं वो कौन कौन सा सॉल्वेंट होगा उसको देखते हैं यहाँ पे हम लोग। अब तुम लोग सॉल्वेंट को मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी तुम लोग सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ चुके हो, सॉल्वेंट क्या होता है सॉल्यूट क्या होता है तो ऑलरेडी सबको पता है वहाँ पे। यहाँ पे जो सॉल्वेंट यूज किया जाता है, जो सॉल्वेंट होता है यहाँ पे, तो मेनली दो टाइप का सॉल्वेंट रहेगा,
पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट, इस तरीके से लिख देता हूँ यहाँ पे। नॉन पोलर एंड पोलर सॉल्वेंट, जो भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में सॉल्वेंट यूज किया जाता है, जो मीडियम यूज करेंगे रिएक्शन के लिए, वो क्या होगा उसमें, या तो नॉन पोलर सॉल्वेंट हो या फिर पोलर सॉल्वेंट। अब पोलर और नॉन पोलर तो ये पता होगा सब लोगों को कि नॉन पोलर और पोलर कैसे पता करते हैं हम लोग, बॉन्डिंग में पढ़ चुके होगे तुम लोग, याद हो पोलर और नॉन पोलर। तो नॉन पोलर के केस में क्या होता है, जिसका बता रहे कुछ लोग इसमें डायपोल मोमेंट से हम लोग सोच पाएंगे, जिसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाए वहां पे जीरो, डायपोल मोमेंट जीरो, दैट मीन्स वो नॉन पोलर। या फिर अगर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अगर जीरो आ गया तो वो भी क्या रहेगा, नॉन पोलर। क्लियर वहां पे है? तो म्यू क्या इंडिकेट करता है डायपोल मोमेंट को, तो डायपोल मोमेंट जीरो दैट मीन्स नॉन पोलर, या डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर जीरो आया दो एटम के बीच में तो वो भी क्या होगा, नॉन पोलर। एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो इसका नॉन पोलर का, जो भी हाइड्रोकार्बन होता है वो इस कैटेगरी में रहता है, CH4, CCl4, कोई भी हाइड्रोकार्बन आ रहा है यहाँ पे, साइक्लोहेक्सेन, ये सब जो भी एग्जाम्पल है, बेंजीन ले लो, ये सब तुम्हारा किस कैटेगरी का आ जाएगा यहाँ पे है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। या जो भी तुम लोग डायपोल मोमेंट में पढ़े होगे जिसका आपकी डायपोल मोमेंट जीरो आ रहा है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट की कैटेगरी में होगा। क्लियर है ये? अब आ जाता है पोलर सॉल्वेंट, तो पोलर सॉल्वेंट को मैं अलग से यहाँ पे बता देता हूँ इस केस में। तो पोलर सॉल्वेंट के लिए क्या कंडीशन था, डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो, या अगर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है उसमें जो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी क्या हो, नॉन जीरो। क्लियर रहती है, पोलर सॉल्वेंट के लिए कंडीशन है। अब इसमें दो टाइप का आ जाता है पोलर सॉल्वेंट, जो होता है यहाँ पे, इस तरीके से लिख लोगे यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट को, अब पोलर सॉल्वेंट में दो पार्ट रहेगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर बहुत ही आसान है, देख लो इसमें ध्यान से, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, तो पोलर नॉन पोलर तो क्लियर पता चल गया यहाँ पे डायपोल मोमेंट से एंड डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है यहाँ पे है, पहले तो पोलर होना चाहिए तो फिर प्रोटिक और अप्रोटिक की बात करते हैं, नॉन पोलर में ऐसा कुछ नहीं रहता यहाँ पे। इसमें एक सिंपल सा पॉइंट है यहाँ पे, उसको नोट कर लेते हैं, इफ हाइड्रोजन एटम इज कनेक्टेड विथ, इफ हाइड्रोजन एटम इज कनेक्टेड विथ कनेक्टेड विथ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ब्रैकेट नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन से कनेक्टेड आ रहा है इस केस में यहाँ पे, उसको हम लोग क्या बोल पाएंगे यहाँ पे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। इसका एग्जांपल क्या रहेगा इस केस में, वाटर, वाटर में हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड है, ऑक्सीजन से, दैट मीन्स ये भी क्या रहेगा, एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। कोई भी अल्कोहल आ जाए CH3OH, ये भी कैसा रहेगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड है, ऑक्सीजन से, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ रहा है यहाँ पे। HF ले लो यहाँ पे, HCl ले लो, ये सब किस कैटेगरी का आ जाएगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो सिंपल है लॉजिक है यहाँ पे, एक सल्फर भी ले सकते हो इस कैटेगरी में यहाँ पे,
H2S क्लियर है यहाँ पे है। इस तरीके का जो भी एग्जांपल आता है जो कि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्टेड हो, NH3 ले लो यहाँ पे, ये सब क्या होगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और सबका कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट है। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जांपल की बात करते हैं यहाँ पे, इसका भी डिफिनेशन क्या होगा यहाँ पे, इफ हाइड्रोजन एटम, इफ हाइड्रोजन एटम इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड कनेक्टेड टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लो कॉपी करो यहां तक, फिर देखते हैं इसका एग्जाम्पल हम लोग। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। अगर हाइड्रोजन किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्टेड है, जो कि हम लोग किसको लेते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन को जनरली यूज करते हैं यहाँ पे, जैसा कि तुम लोग पढ़े भी हो गए हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, ऐसा कुछ यहाँ पे रहता है। मैंने कुछ लिमिटेड एग्जाम्पल या जो भी हो सकता है इसमें, जैसे कि एसिटिक एसिड है CH3C डबल बॉन्ड OH, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड है ऑक्सीजन से, दैट मीन्स ये भी एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जाम्पल हो गया। तो जहां कहीं भी हाइड्रोजन कनेक्टेड हो ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन से, तो वो क्या जाएगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। इसका एक दो एग्जांपल मैं यहीं पे लिख पा रहा हूँ, यहाँ पे स्पेस है, देख यहाँ पे आ जाए तुम्हारा CH3 OCH3, कोई भी इथर हो, यहाँ पे ऑक्सीजन से कोई भी हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरिन, ऑक्सीजन से भी नहीं है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन से, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, और ये पोलर सॉल्वेंट भी है, ये तो पोलर सॉल्वेंट है लेकिन किस कैटेगरी का हो जाएगा, पोलर अप्रोटिक। नेक्स्ट है तुम्हारा इसमें CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, कंपाउंड का नेम क्या है इस दोनों का, फर्स्ट वाले कंपाउंड का नेम क्या है, एनीवन, ईथर तो है बट प्रॉपर नेम क्या है, हाँ बताओ, ठीक है ये कीटोन है बट कौन सा इसका एक्चुअल नेम बताना है, कीटोन तो प्रेजेंट है, ये क्या होता है इसमें ऑप्शन के लोग, इधर में मिथाई, इधर में मिथाई, डायमिथाइल ईथर, ये बेसिक नेम पता होना चाहिए यहाँ का, इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे कॉमन नेम, दोनों नेम बता सकते हैं यहाँ पे, IUPAC नेम क्या होता है इसका, मिथॉक्सी मीथेन और कॉमन नेम डायमिथाइल ईथर, और ये क्या एसीटोन, ये क्या रहा है इसमें एसीटोन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन से कनेक्टेड कोई भी हाइड्रोजन नहीं आ रहा है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन से कनेक्टेड कोई भी हाइड्रोजन नहीं आ रहा है, ये जो एग्जांपल है किस कैटेगरी का रहेगा, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। इसका मैं एक दो एग्जांपल नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट का एक दो एग्जाम्पल और है जो कि एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है। तो जब भी पेपर में भी क्वेश्चन आता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, तो सिंपल सा लॉजिक है, तो ठीक है नोट कर लो, डिस्कनेक्ट हो गए थे इसके लिए रिकॉर्डिंग देख सकते हो, अगर ज्यादा टाइम के लिए डिस्कनेक्ट हुए 5 मिनट या 10 मिनट्स, बिल्कुल पूरा पेज ही नोट नहीं कर पाए, तो उसके लिए तुम्हें रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं इसमें, यहाँ पे ये कोई भी ईथर हो, मैंने एक एग्जांपल लिया है, तो जो भी ईथर आता है वो क्या रहेगा, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, एसीटोन है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। आता हूँ इस पेज पे, मैं एक दो एग्जांपल और है यहाँ पे,
नेक्स्ट एग्जांपल एच सी डबल बॉन्ड ओ एंड सी एच थ्री। यहाँ पर भी डायरेक्टली कोई भी कनेक्टेड नहीं आ रहा है, ना तो ऑक्सीजन से ना तो नाइट्रोजन से कोई हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली कनेक्टेड आ रहा है। ये भी क्या होता है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। इस कंपाउंड का नेम क्या है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है इसमें, तो इसका फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है एंड इसका आईपीएससी नेम। तो मैं बताता हूँ इसका यहाँ पे तो यहाँ पे देख लेते हैं। पहले यहाँ पे जिनका पीछे का कुछ चीजें छुटा हुआ तो रिकॉर्डिंग देखोगे फिर वहां पे। यहाँ पे एच सी डबल बॉन्ड एन सी एच थ्री सी एच थ्री, इसका नेम क्या होता है, एन कॉमा एन डायमिथाइल। मिथेनामाइड, इसका नेम क्या होता है यहाँ पे, मिथेनामाइड। बट इसी का कॉमन नेम अगर हम लोग यूज करें यहाँ पे, इसका जो कॉमन नेम होता है, एक कार्बन का कॉमन नेम क्या होता है, इनको कुछ याद हो, एक कार्बन का कॉमन नेम, वर्ड रूट क्या यूज करते हैं उसके लिए, एन कॉमन एन डायमिथाइल फॉर्मामाइड। ये सारा कुछ नोमेनक्लेचर में तुम्हें बताया गया है, सही है बिल्कुल। वो क्या होता है फॉर्म, वो क्या लिखते हैं लोग, फॉर्मामाइड, एन कॉमा एन डायमिथाइल फॉर्मामाइड। अब इसी जो कंपाउंड आ रहा है यहाँ पे, इसी को शॉर्ट में बोला जाता है डीएमएफ। तो डीएमएफ एक इम्पोर्टेंट पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, इसमें कि कई बार नीट में डायरेक्टली क्वेश्चन दिया गया है, तो रिएक्शन लिख दिया जाता है डीएमएफ। तो डीएमएफ अगर लिख दिया गया है तो वहां पे सोचना पड़ेगा कि किस टाइप का सॉल्वेंट है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, क्लियर है, क्योंकि इसमें से कोई भी हाइड्रोजन नाइट्रोजन या ऑक्सीजन से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं आ रहा होता है। और इस कंपाउंड का जो नेम होता है उसको बोलते हैं दो मिथाइल ग्रुप है, डायमिथाइल सल्फोक्साइड, डायमिथाइल सल्फोक्साइड। और इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग डीएमएसओ, डीएमएसओ। DMSO. ये कुछ इंपॉर्टेंट पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, DMF, DMSO। तो ठीक है, हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। हम लोग इसी हम लोग सॉल्वेंट के बारे में देख रहे थे। कॉपी कर लेते पिछला पेज सब लोग, फर्स्ट पेज दिखाओ ना, बिल्कुल फर्स्ट पेज दिखा, फर्स्ट पेज सर इसके भी प्रीवियस, हाँ इससे भी इस पेज से ही हम लोग, इससे पहले एक और कुछ टॉपिक पढ़े थे हम लोग, बट उसके लिए तो मैं रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा क्योंकि डिस्कनेक्ट होने के कारण वो पेज हट गया यहाँ पे। इसमें अगर कुछ छुटा हुआ तो यहाँ से नोट कर लो, इससे पहले का पेज पे अगर कुछ छुटा हुआ है तो उसके लिए तुम्हें रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। ठीक है सर, कॉपी कर लेते इस पेज को सब लोग। यस सर। तो ठीक है, मैं आता हूँ सॉल्वेंट वर्ड को मैं डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में ही। तो हम लोगों ने पोलर प्रोटिक और पोलर अप्रोटिक पढ़ लिया यहाँ पे। अब जो एक जो इफेक्ट आ रहा था सॉल्वेंट इफेक्ट, उसमें जो ऑर्डर चेंज हो रहा था उसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करता हूँ, क्योंकि उसमें अभी और भी टाइम लगेगा दोनों को एक्सप्लेन करने में, दोनों को कंपेयर करना रहेगा कि पोलर अप्रोटिक में क्या वो ऑर्डर क्यों आता और पोलर प्रोटिक में वो अलग ऑर्डर क्या रहा था, क्यों रहा था वहाँ। तो ठीक है, यहाँ तक कॉपी कर लिए हैं, फिर मैं इसे एंड करता हूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर में ही देखते हैं फिर हम लोग यहाँ पे। बाकी जो तुम्हारा इस पार्ट का कोई भी होमवर्क नहीं है उसके, बस
नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होने से पहले एक बार रिवाइज करना है, बाकी तुम्हारा जो होमवर्क है वो डीपीपी क्वार्टनल कंपाउंड का। तो ठीक है, फिर मैं अभी सेशन एंड करता हूँ यहीं पे, फिर